हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रीकिंग कॉमर्स। मैं हूं शिवम सानी एंड आज हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो आपके वन साइड एरर्स रिलेटेड हैं। रेक्टिफिकेशन और चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं। जैसे हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, उसमें टू साइड एरर्स आज खत्म हो चुकी हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले वन साइड एरर्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इस वीडियो में मैंने आपको कौन से बताया वन साइड एरर कैसे सॉल्व करते हैं बाय हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं डीके गोयल से, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15। सो तीन क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करें जिससे आपको बहुत कुछ पता चलेगा कि वन साइड एरर्स को सॉल्व कैसे करा जाता है। सो वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड देखने से पहले फटाफट से अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। एंड अगर कोई डाउट्स लगते हैं तो DM जैसे आप करते हो, कोई भी डाउट्स हैं इंस्टाग्राम फेसबुक फ्रीकिंग कॉमर्स के पेज पे, मोस्ट वेलकम DM करिएगा। एंड रेस्ट गाइडिंग डाइट क्लासेस की एप्लीकेशन, नोट्स, टेस्ट, वीडियोस, सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल है। फटाफट से डाउनलोड करिए, गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। सो चलो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन द वीडियो। देखो आज स्टार्ट करते हैं वन साइड एरर्स रेक्टिफिकेशन की। टू साइड एरर्स के क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। वन साइड एरर्स जो है वो आपके पास ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू साइड एरर्स के कंपैरिजन में। क्वेश्चन जो आपको पेपर में मिलेगा उसमें ध्यान रखना, कभी मेंशन नहीं होगा कि वन साइड एरर या टू साइड एरर। अगर आपके पास 5 ट्रांजेक्शंस या 60 ट्रांजेक्शन है, हो सकता है 60 ट्रांजेक्शन में 5 ट्रांजेक्शन वन साइड की हो एंड 2 ट्रांजेक्शन टू साइड की हो। जरूरी नहीं है कि पूरा क्वेश्चन वन साइड का हो या टू साइड का ही हो। तो इसलिए ध्यान रखना जब क्वेश्चन पढ़ते टाइम उसमें आपके पास वन साइडेड एंड टू साइडेड दोनों एरर्स मिली होंगी, वो आपको पहचानने की आपका क्वेश्चन किस तरीके का है। क्योंकि अभी जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो उस टाइम पे बुक में क्वेश्चन मेंशन होता है कि वन साइड एरर के क्वेश्चन चालू हो गए, अब तो हमारा दिमाग उस तरीके से चलता है, बट एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ना कि वन साइडेड वाली ट्रांजेक्शन है या टू साइडेड वाली ट्रांजेक्शन है। वन साइड एरर की वजह से हमारे एक अकाउंट खुला था, क्या नाम था उस अकाउंट का? सस्पेंस। सस्पेंस अकाउंट का रोल ही बस ये था कि जो आपकी डेबिट या क्रेडिट दोनों में से एक साइड एरर आएगी तो जो ऑपोजिट वाला है वहां पे सस्पेंस अकाउंट खोला गया था। अब वो सस्पेंस अकाउंट यहां पे क्लोज होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वन साइड एरर्स बोलते हैं। सो वन साइड एरर्स के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 13 पे। सो क्वेश्चन नंबर 13 में एक ट्राई कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 कैसे सॉल्व होता है, जिसके बेसिस पे आप आगे क्वेश्चन पूरा सॉल्व करोगे, राइट? सो क्वेश्चन नंबर 13 निकालो, सॉल्व करते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 13 पे आओ, अगेन यहां पे भी हम सेम वही करेंगे। करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री। ठीक, तीन एंट्रीज है। ट्रांजेक्शन वन, ट्रांजेक्शन वन आता है परचेज बुक हैज बीन ओवरकास्ट बाय 1000, मीन्स हमारी परचेज बुक 1000 रुपए से ज्यादा हो गई। परचेज का जो बैलेंस होता है वो डेबिट का होता है, ठीक है? परचेज का बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट साइड का, एंड वो ओवरकास्ट है तो सही करने के लिए हम क्या कर देंगे? परचेजेस को क्रेडिट। वन थाउजेंड से सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1000 से, ठीक है? मींस हमारे पास डेबिट साइड में कुछ नहीं था, डेबिट साइड में कुछ भी नहीं था। परचेजेस जो थी वो 1000 रुपीज से क्या थी? ओवरकास्ट, ज्यादा चल रही थी। तो परचेज का डेबिट बैलेंस होता है, ज्यादा चल रहा था तो उसका ही करने के लिए क्या कर दिया? क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर दिया। डेबिट में तो कुछ भी नहीं था, तो जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर सस्पेंस होता है। दैट इज योर ट्रांजेक्शन वन। ट्रांजेक्शन टू देखो, ट्रांजेक्शन टू है परचेजेस फ्रॉम राम 20000। तो करेक्ट एंट्री क्या बनी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 20000 रुपए से, राइट? फिर इसके बाद हैज बीन ओमिटेड टू पोस्ट हिज अकाउंट, मतलब हमने उसके अकाउंट पे पोस्ट करना भूल गए, मींस हमने रॉन्ग एंट्री में क्या करा? परचेजेस अकाउंट डेबिट तो करा 20000 रुपए से, बट टू राम नहीं लिखा, टू राम नहीं लिखा। टू साइड एरर्स अभी तक कैसे चल रही थी? हमने एंट्री पोस्ट नहीं करी थी तो हम एंट्री पोस्ट कर देते। अब यहां पे एरर क्या है? एरर सिर्फ इतनी है कि हमने उसके अकाउंट में पोस्ट नहीं करा। सो ये तो सही था, हमने राम को पोस्ट करना भूल गए तो हम राम को पोस्ट कर देंगे, तो यहां पे आ जाएगा टू राम,
20,000 रुपीज से। डेबिट साइड में क्या है? कुछ भी नहीं। और जब कुछ नहीं होता वहां पे कौन आता है? ट्रांजेक्शन नंबर थ्री। ट्रांजेक्शन थ्री आती है परचेज फ्रॉम श्याम। सो एंट्री क्या आ गई? परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। कितने से परचेज करा है? 15,000 रुपीज से परचेज करा है। फिर वो बोलते हैं हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ हिज अकाउंट। हिज किसके लिए यूज करा गया? श्याम के लिए। मीन्स हमने श्याम को डेबिट कर दिया, तो परचेज तो डेबिट करा ही करा है। मीन्स हमने परचेज अकाउंट डेबिट तो लिखा ही लिखा, साथ में हमने श्याम को भी डेबिट कर दिया। श्याम अकाउंट डेबिट, श्याम को क्रेडिट करने की जगह हम उसको डेबिट कर गए। सो परचेज तो सही है बट श्याम को लिखना था क्रेडिट कर दे डेबिट, तो वही पुरानी अपनी पहले मिस्टेक को सही करेंगे। श्याम को डेबिट करके मिस्टेक करी थी, तो क्रेडिट करके अपनी मिस्टेक क्या कर दी हमने? सही कर दी। फिर जो पोस्ट नहीं करा उसे पोस्ट करेंगे तो श्याम दो बार क्रेडिट होगा, तो श्याम कितने से आएगा? 30,000 रुपीज से। दो बार पोस्टिंग क्यों हो रही है? एक बार अपनी मिस्टेक को सही करा, जो गलती थी डेबिट करके तो उसको क्रेडिट कर दिया, और एक बार जो पोस्ट नहीं करा तो पहले गलती सुधारो, जो नहीं करा उसे करो। और यहां पे क्या रहेगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट 30,000 से। फोर्थ ट्रांजेक्शन है परचेज फ्रॉम घनश्याम 10,000। सो एंट्री हो गई परचेज अकाउंट डेबिट टू घनश्याम अकाउंट। कितने रुपए से? 10,000 रुपीज से। Has been posted to his account as 1,000. So purchases account debit to Ghanshyam. जो हमने mistake क्या करी है? हमने Ghanshyam के नाम पे 1,000 transfer करे, लेकिन purchase के नाम पे तो पूरी करे होंगे, क्योंकि mentioned है उसमें कि goods purchase करे हैं Ghanshyam से 10,000 रुपए के, but posted to his account, मतलब उसके account में हमने 1,000 transfer करे बस। So purchase से तो purchase cancel हो गया क्योंकि ये सही post हुआ। घनश्याम के नाम पे 10,000 क्रेडिट आने चाहिए थे, हमारे आए 1,000 क्रेडिट। मीन्स 9,000 रुपीज कम चल रहे हैं, तो 9,000 रुपीज प्लस कर दो। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू घनश्याम कितने रुपए से? 9,000 रुपीज से। जब भी हम प्लस करते तो सेम बैलेंस आता है। एंड लास्ट ट्रांजेक्शन इसकी अब आती है फिफ्थ वाली। परचेज फ्रॉम सीताराम 5,000 हैज बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 50,000। So, purchase to सीताराम आ गया, परचेज अकाउंट डेबिट टू सीताराम। कितने रुपए के गुड्स परचेज करें हमने इससे? वी हैव परचेज ऑफ रुपीज 5,000, राइट। लेकिन उन्होंने बोला हैज बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 50,000, मीन्स परचेज में कोई चेंज नहीं आएगा, परचेज की पोस्टिंग हमने सही करी है 5,000 से। बट सीताराम को जब हमने लिखा तो कितने से लिख दिया? वो लिख दिया 50 से, परचेज से तो परचेज कैंसिल हो गया। अब देखो सीताराम को क्रेडिट करना था 5 से, हमने कर दिया 50 से, मींस 45,000 रुपीज से ज्यादा क्रेडिट कर दिया। जब पैसे निकालेंगे तो क्या कर देंगे? ऑपोजिट। यहां हो जाएगा सीताराम डेबिट 45,000 रुपीज के अकाउंट से ले लिए टू। अब क्रेडिट में कुछ भी नहीं है तो सस्पेंस है, क्योंकि सस्पेंस का कुछ भी हमारे पास फिक्स साइड नहीं होती है, वो डेबिट में भी आ सकता है, वो क्रेडिट में भी आ सकता है। सो दैट इज द क्वेश्चन नंबर 13, जिसका आपका बेसिक है, जिसमें वन साइड एरर्स हैं, हर जगह या तो डेबिट गलत था या क्रेडिट गलत था, दोनों गलत नहीं थे। क्लियर विद दिस? कोई ट्रांजिशन जो पूछने दोबारा? 14 करते हैं। 14 वाला क्वेश्चन में आता है सबसे पहला, द टोटल ऑफ सेल्स बुक कैरिड फॉरवर्ड 5,000 लेस। मीन सेल्स बुक का जो टोटल है वो 5,000 रुपए कम चल रहा है। सेल्स का बैलेंस कौन सा था, डेबिट या क्रेडिट? सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, और जब वो 5,000 रुपए कम चल रहा है तो क्या करेंगे? उसको बढ़ा देंगे। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन सीधा आपके पास सेल्स को और क्रेडिट कर दो, तो टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए से? 5,000 से। डेबिट में कौन आ जाएगा? सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। जहां पे कहीं कोई नहीं आता वहां पे सस्पेंस आता है। देन वो बोलते हैं अ क्रेडिट सेल टू सीता 6,300 रुपीज की। So, हमारे पास सेकंड ट्रांजेक्शन क्रेडिट सेल टू सीता है, तो एंट्री क्या हुई? सीता डेबिट टू सेल्स। कितने रुपए से? 6,300 से। फिर वो बोला पोस्टेड एज 3,600, मीन्स हमने पोस्ट कर दिया
सीधा डेबिट टू सेल्स 3600 से, ठीक है। अ क्रेडिट सेल टू सीधा 6300 पोस्टेड एज 3600। तो ये आपके पास सिंगल साइड एरर होगी या डबल साइड एरर है? ये डबल साइड एरर है क्योंकि इसमें दोनों अकाउंट्स इफेक्ट हुए हैं, ठीक है। इसमें आपके पास दोनों मिस्टेक है, सीता सेल्स दोनों मिस्टेक है। दोनों होने चाहिए थे 63 से, हमने 36 से करें, मीन्स हमने उसको कम से पोस्ट कर रखा है। तो सही करने के लिए फिर से हम यही एंट्री पास कर देंगे, सीता टू सेल्स, और अमाउंट कितनी आ जाएगी आपके पास 2700 आपके पास अमाउंट आ जाएगी। क्योंकि देखो हमें क्या करना है, हमें प्लस करना है, होना चाहिए था 63 का, लेकिन हमने कितने से पोस्ट कर रखा है 36 से, तो हमें उसके पैसे और बढ़ाने हैं। हम ऑपोजिट तब करते हैं उसके अकाउंट से पैसे निकालने होते हैं, लेकिन जब उसके अकाउंट में पैसे हमें ट्रांसफर करने, तो हम क्या कर देंगे, सेम बैलेंस। सीधा डेबिट है तो उसको डेबिट करोगे तभी उसके अकाउंट में पैसे पहुंचेंगे, ठीक है। अब 36 हमने ऑलरेडी डेबिट कर चुके थे, 27 से और डेबिट कर दिया, टोटल कितने से डेबिट हो गया 63 से, मिस्टेक सॉल्व। देन आपके पास नेक्स्ट आता है थर्ड ट्रांजेक्शन, अ क्रेडिट सेल टू राधा 2400 पोस्टेड एज 4200। सो नेक्स्ट एंट्री हो गई राधा डेबिट टू सेल्स, कितने से 2400 से, ठीक है 2400 से। देन इसके बाद पोस्ट कितने से करा है 4200 से, सो राधा डेबिट टू सेल्स 4200। अगेन ये डबल साइड एरर है बेटा, ये सिंगल साइड नहीं है, डबल साइड है। अब देखो राधा को देने थे 2400, हमने दे दिए 4200, ज्यादा दे दिए, अकाउंट से पैसे निकालेंगे। जब पैसे निकालने हो तो क्या कर दो, ऑपोजिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सेल्स डेबिट टू राधा, कितने रुपए उनके अकाउंट से निकाल देगी, 2400 में पहुंच जी कहानी, दैट इज 1800 हम इनसे निकालेंगे। अगेन डबल साइड एरर। फिर आपके पास नेक्स्ट आता है फोर्थ ट्रांजेक्शन, अ क्रेडिट सेल टू पार्वती 3000 क्रेडिटेड टू हर अकाउंट। तो क्रेडिट सेल करे पार्वती को, तो एंट्री क्या हो गया आपके पास, पार्वती डेबिट टू सेल्स, कितने से 3000 से। लेकिन हमने मिस्टेक क्या कर दी, हमने पार्वती को भी क्रेडिट कर दिया, उसमें लिखा है क्रेडिटेड टू हर अकाउंट, मींस हमने उसको भी क्या कर दिया, क्रेडिट, मींस हमने पोस्टिंग ऐसे कर दी होगी, टू पार्वती टू सेल्स, हमारी एंट्री जो पोस्ट हुई वो इस तरीके से पोस्ट हुई, मतलब लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करी है, ऐसे जर्नल पोस्ट नहीं करी होगी, जर्नल तो समझ में आ जाती है, जब लेजर पोस्टिंग करी तो हमने इस तरीके से कर दी होगी कि पार्वती को भी हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। देखो सेल्स से सेल्स तो कैंसिल हो गया क्योंकि सही पोस्ट हुआ, पार्वती को आपने क्रेडिट कर दिया, तो सही कैसे करोगे, डेबिट करके। तो पहले तो हम मिस्टेक सही करेंगे 3000 रुपए की, फिर इसके बाद पार्वती को जो डेबिट नहीं कर रखा था उसे डेबिट करेंगे, तो टोटल कितने से आएगी पार्वती 6000 से। क्रेडिट में कोई भी नहीं है तो जहां पे कोई नहीं है वहां पे सस्पेंस है। देन ट्रांजेक्शन नंबर 5, अ क्रेडिट सेल्स टू लक्ष्मी 5600 क्रेडिटेड एज 6500। सो एंट्री क्या हो गया आपके पास, लक्ष्मी डेबिट टू सेल्स, कितने से 5600 से, क्रेडिटेड एज 6500। सो मींस हमने एंट्री पास कर दी, लक्ष्मी डेबिट टू सेल्स, लेकिन सेल्स में हमारे पास आ गया 6500 और ये हो गया आपके पास 5600, ठीक है। उसमें मेंशनड है क्रेडिटेड एज 6500, मींस हमने सिर्फ क्रेडिट वाले आइटम को चेंज करा 6500 से, सो लक्ष्मी में कोई चेंज नहीं आएगा। सेल्स में आपके पास आना चाहिए था 56, हमारे पास आ गया 65, मींस हमने सेल्स में पैसे ज्यादा ऐड कर दिए, तो क्या कर देंगे, अकाउंट से निकाल लेंगे। जब अकाउंट से पैसे निकालने हो तो क्या कर दो उसको, ऑपोजिट। तो सेल्स को हम कर देंगे डेबिट, कितने रुपए से डेबिट करेंगे, 900 रुपीज से, क्रेडिट में तो कोई है नहीं तो टू सस्पेंस अकाउंट 900 से, क्लियर। सो दैट इज द क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें 5 ट्रांजेक्शन है,
बहुत ध्यान से वर्ड्स को समझना, जब भी लिखा होता है क्रेडिटेड मींस क्रेडिट वाले का आइटम गलत हुआ, तो यहां पे भी आपके पास बिल्कुल सेम ऐसे ही दे रखा था कि हमने उसको क्रेडिटेड कर दिया 65 से, मींस हमने पूरी पोस्टिंग 65 से नहीं करी है, हमने सिर्फ उसकी क्रेडिट कर दी है। जो ऊपर ट्रांजेक्शन देखोगे जैसे ट्रांजेक्शन 2 थी, उसमें लिखा था पोस्टेज एज 3600, तो उसमें पोस्ट 36 का करा इसलिए दोनों गलत थे। यहां पे लिखा पोस्टेड एज 4200, बट यहां लिखा क्रेडिटेड एज 65, मींस डेबिट का हमने सही करा पोस्ट, बस क्रेडिट वाले को गलत कर दिया। तो ये आपका वन साइड एरर का सबसे इंपॉर्टेंट जो पहचानने का होता है कि गलती किस अकाउंट में हुई है, किसी एक में हुई होगी, दो में नहीं, कौन सा अकाउंट है वो आपको पहचानना है। कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 14 में? नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स अज्यूमिंग, अब यहां पे क्या है, नो सस्पेंस अकाउंट हैज टू बी ओपनड, मींस वो हम लोग डायरेक्ट लेजर अकाउंट्स के थ्रू करते हैं, एक सस्पेंस अकाउंट ओपन करके करना है जो हम लोग अभी कर रहे थे, तो हम लोग ये बी पार्ट करेंगे, ए पार्ट बाद में सीखेंगे कैसे करते हैं। सो सबसे पहला आता है गुड्स कॉस्टिंग 800 परचेज फ्रॉम सचिन ऑन क्रेडिट, तो पहली आपकी एंट्री, क्योंकि आपको एंट्री का जो फर्स्ट हाफ है वो हमेशा क्या सिखाता है कि सही क्या है, सेकेंड हाफ क्या सिखाता है कि गलती क्या करी। सो परचेज करा है सचिन से, तो एंट्री क्या हो गई, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सचिन, कितने रुपए से करी हमने, 8000 से करी है, डेट इज 800 से करी है, ठीक है, 800 रुपीज हमने सचिन से परचेज कर लिया। फिर आता है वर ओमिटेड टू बी क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, मींस हमने उसके अकाउंट को क्रेडिट करना भूल गए, ओमिटेड का मतलब होता है भूल जाना, तो हमने उसको क्रेडिट करना भूल गए, मींस हमने सिर्फ पोस्टिंग क्या कर दी, परचेजेस अकाउंट डेबिट 800 से, हमने सचिन को क्रेडिट ही नहीं करा, कैंसिल। अब सिंपल, कोई ऐसा तो मिस्टेक है नहीं, मिस्टेक बस इतनी है कि सचिन को रिकॉर्ड नहीं करा, तो सचिन को रिकॉर्ड कर देंगे, तो यहां पे आएगा टू सचिन 800 से। अब डेबिट में कोई है ही नहीं, जहां पे कोई नहीं होता वहां पे सस्पेंस अकाउंट होता है, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट 800 से टू सचिन 800 से। ये भी आप बहुत बेसिक से क्वेश्चन सीख रहे हो, क्योंकि वन साइड एरर्स बहुत टिपिकल है, मतलब आगे हल्के हल्के करते करते क्वेश्चंस में ट्विस्ट एंड टर्न्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत बिल्कुल बेसिक एरर्स हैं, ठीक, तो इसलिए बहुत समझ के करना क्वेश्चंस को। सेकंड आता है आपके पास गुड कॉस्टिंग 800 परचेज फ्रॉम सचिन ऑन क्रेडिट, तो हमने क्या एंट्री पास कर दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू सचिन, कितने से, 800 से। फिर आगे लिखा है वर क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज 80, मींस हमने एंट्री पास करी होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू सचिन, और हमने परचेज में तो 800 लिखे बट सचिन में 80 लिखे, क्योंकि उसमें लिखा है क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, मींस सिर्फ उसके अकाउंट में 80 रुपए लिखे, मींस परचेज तो सही पोस्ट करा होगा, तो परचेज से परचेज कैंसिल हो गया, सचिन को क्रेडिट करना था 800 से, हमने क्रेडिट करा है 80 से, सिर्फ 80 रुपए से, मींस 720 रुपए अभी उसको और देने बाकी है, तो जब पैसे देने बाकी हैं तो हम क्या करते हैं, सेम बैलेंस, तो टू सचिन हम क्या करेंगे, 720 रुपीज उसको ट्रांसफर कर देंगे, तो एंट्री क्या हो गई, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सचिन 720 से। थर्ड ट्रांजेक्शन आती है गुड्स कॉस्टिंग 800 परचेज फ्रॉम सचिन ऑन क्रेडिट, सो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सचिन 800 से। क्या लिखा आगे, वर्क क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज 880, मींस हमने उसके अकाउंट में कितने रुपए ट्रांसफर कर दिए, 880, सो परचेज में तो कोई चेंज नहीं आएगा, वो तो 800 का रहेगा, टू सचिन 880। अब भाई परचेज से परचेज भाई कैंसिल हो गया, सचिन को देने थे 800, दे दिए 880, मतलब 80 रुपए ज्यादा दे दिए, निकाल लो, जब निकालोगे तो क्या करोगे, सचिन को डेबिट ऑपोजिट टू सस्पेंस, टू सस्पेंस अकाउंट 80 से। देन फिर वो बोलते हैं भाई हमारे पास गुड्स कॉस्टिंग 800 परचेज फ्रॉम सचिन, बहुत सामान खरीदा सचिन से, परचेज अकाउंट डेबिट टू सचिन, सचिन की ऐसी तैसी कर दी उन्होंने, सचिन से गुड्स खरीदे, अब क्या करा, वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट, मींस हमने परचेज को तो डेबिट करा ही करा, साथ में सचिन को भी डेबिट कर दिया, करना था क्रेडिट,
कर गए डेबिट, तो परचेस से परचेस तो कैंसिल हो गया भाई। सचिन में क्रेडिट की जगह डेबिट करके तो गलती को सुधारेंगे, सबसे पहले सचिन को कर देंगे क्रेडिट। अब एक बार सचिन तो क्रेडिट होगा क्योंकि गलती सही हुई, फिर एक बार वो क्रेडिट होगा जो उसको हमने नहीं करा था, तो टोटल कितने से क्रेडिट होगा 1600 से, और डेबिट में तो कुछ है ही नहीं, और जहां पे कोई नहीं होता वहां सस्पेंस होता है। सो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सचिन 1600 से। फिर आपके पास लास्ट फिफ्थ ट्रांजेक्शन आती है इस क्वेश्चन की, गुड्स कॉस्टिंग 800 परचेस फ्रॉम सचिन ऑन क्रेडिट। सो ये हो गया आपके पास परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सचिन, कितने रुपए से 800 से। फिर उन्होंने लिखा है वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट एज 80, तो हमने परचेज को तो डेबिट ही करा होगा, कितने से 800 से, लेकिन सचिन को भी डेबिट कर गए, लेकिन सचिन को डेबिट 80 से करा, 800 से भी नहीं करा। तो अब यहां पे दोनों मिस्टेक हो गई, एक तो क्रेडिट की जगह डेबिट लिख दिया, ऊपर से 800 की जगह 80 लिख दिया, तो परचेस से तो परचेस कैंसिल हो गया। सबसे पहले गलती सुधारेंगे, सचिन को क्या कर देंगे क्रेडिट, जितने से डेबिट करा था उतने से क्रेडिट करेंगे। फिर इसके बाद जो नहीं करा पोस्ट उसको पोस्ट करेंगे, तो पहले 80 से क्रेडिट होगा फिर 800 से क्रेडिट होगा, तो हम एक ही बार लिखेंगे कितने 880 रुपीस, और डेबिट में अगेन कोई नहीं है तो सस्पेंस है। सो इस पूरे क्वेश्चन में सबसे बड़ा फ्रॉड कौन था, सचिन था, सारी मिस्टेक सचिन के साथ ही हुई और भी अलग अलग तरीके से मिस्टेक करी गई। सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 15 बी पार्ट इसका। क्लियर विद ऑल द ट्रांजेक्शन, या किसी ट्रांजेक्शन में कोई डाउट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीकी कॉमर्स, अपना प्यार अपना सपोर्ट देने के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही वीडियोस आप लोग देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करते रहिए एंड लाइक बटन पे जरूर क्लिक करिए अगर आप लोग को लगता है कि मेरी वीडियोस आप लोग के लिए हेल्पफुल हैं, स्पेशली जब एग्जाम्स आने वाले होते हैं उस टाइम पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीकी कॉमर्स, ऐसे ही अपना सपोर्ट दिखाते रहिएगा।